हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आरएसएस के संघ प्रमुख मोहन भागवत के दो बच्चों की नीति ने एक बार फिर सियासी भूचाल मचा दिया है। एक तरफ जहां विपक्षी पार्टियां इन मुद्दे पर नया बवाल खड़ा करने लगी हैं, तो वहीं सरकार इस मामले पर बैकफुट पर नजर आ रही है। अरे शर्म करो तुम लोग, हुकूमत में तुम हो। 35 बच्चे खुदकशी कर रहे हैं रोजगार की वजह से, 36 बच्चे खुदकशी करते रोज, रोजगार का नहीं मिल रहा बोल के, और तुमको दो बच्चों की पड़ेगी। अरे 36 को नहीं बचाए तुम, जो 36 बच्चे खुदकशी कर रहे इनको नहीं फरोख लग रहे, इसीलिए बोल दिए तवज्जो हटाना। नहीं, दो बच्चे कहां का दो बच्चे, यहां बोर बच्चे हैं पूरे संजय। देखिए, पहली बात यह कि कोई भी देश बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट को नजरअंदाज नहीं कर सकता, इग्नोर नहीं कर सकता, और हमें देश के विकास को हर व्यक्ति तक अगर पहुंचाना है तो हमें उसके लिए जो है वो लोगों में जनसंख्या जो बेतहाशा जनसंख्या बढ़ रही है उस लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी, लोगों को इस बात का एहसास कराना होगा कि जो बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट है वो समाज के लिए, उनके लिए, उनके परिवार के लिए बेहतर नहीं है। अब अगर इस दिशा में, जागरूकता की दिशा में, लोगों में अवेयरनेस पैदा करने की दिशा में काम होता है तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। वो किस फोकस को लेकर चलते हैं वो उनका अपना मत है, लेकिन जो टू चाइल्ड पॉलिसी के लिए यहाँ पर हमारे देश में सोच समझ के पहले ये हमको तय करना होगा कि जहाँ पर लोग ज़्यादा, जिनके परिवारों में ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं वहाँ ऐसा क्यों है। क्या वो गरीबी की वजह से है, कि वो पिछड़ेपन की वजह से है, या कोई एक सामाजिक स्थिति ऐसी है जिसके कारण उनको ऐसा करना पड़ता है। इस पर बहुत शोध हुआ है, बहुत काम हुआ है, इस पर विचार करें, इस पर चर्चा करें, इस बात को आगे बढ़ाएं, तो जो पॉपुलेशन का मसला है वो स्वयं हल हो जाएगा। देखिए, दो बच्चे सबसे अच्छे, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये जितना ये देश में परिवार छोटा होगा देश आगे बढ़ेगा, इसको विवाद में लाने की जरूरत नहीं है। न इस पर किसी भी व्यक्ति को, जो अभिव्यक्ति सरसंचालक जी ने की है, उसका जात धर्म से कोई लेना देना नहीं। सबके दो बच्चे होते हैं तो वो देश के लिए भी अच्छे होते हैं, परिवार के लिए भी अच्छे होते हैं। यहाँ पे अज्ञानी लोग हैं, वहाँ ही जनसंख्या ज्यादा है। जरूरत ये है कि शिक्षा पे सरकार ज्यादा खर्च करे। अगर भागवत जी चाहते हैं कि मोदी जी जबरन नसबंदी का कोई कानून लाए, तो हमें लगता है इस देश में नसबंदी का क्या असर हुआ देश ने देखा है। अगर चाहते हैं लाना तो लाएं, क्या होगा देखिएगा देश। इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसे वोट के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसे राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। जो विकास के समर्थक हैं उन्हें विकास के चश्मे से देखना चाहिए, और विकास और सामाजिक समरसता दोनों के लिए ये बाधक है। जो लोग विकास चाहते हैं, सामाजिक समरसता चाहते हैं, उनको समर्थन करना पड़ेगा। I told it. The family planning is one which all our parents should think over. That's a different thing. All parents are parents. They know how to plan their family. And what is the job of government? Mohan Bhagavat should advise Mr. Modi government to provide education, healthcare, decent housing to all our citizens. Family planning will be taken care by parents themselves. यह तथ्यात्मक और तार्किक एक सुझाव है, कोई कानूनन मजबूरी नहीं है, और पढ़े लिखे मुसलमान भी इस बिंदु पर फॉलो कर रहे हैं, इसको इसका अनुसरण कर रहे हैं, चाहे हिंदू समाज के लोग हों, मुस्लिम समाज के लोग हों, या किसी गैर वर्ग समाज के धर्म के लोग हों, सब समझते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्वाभाविक रूप से परिवार को कहीं ना कहीं आर्थिक दौर से गुजरने के लिए मजबूर करता है, और नतीजा है किसी बच्चे की पढ़ाई हुई किसी की नहीं हुई।